वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साहब संगत जी, सतगुरु की बख्शिश है। अज संगत वालों बेनती हुई सी कि सहज पाठ बारे थोड़ा थोड़ा जरूर संगत नूं जिहड़ा दस्या करो। ये सतगुरु की अपार बख्शिश है। सरदार जतिंदर सिंह जी आस्ट्रेलिया मेलबोर्न, जिन्हां ने सतगुरु की सच्चे पातशाह ने कृपा नाल गुरु रामदास जी महाराज ने उन्हां ते दया की है, वो सारी सहज पाठ की सेवा उन्होंने को ले रहे हैं। अरदास में भी गुरु महाराज ने मुल खरीदी, लाला गोला मेरा नाम सुभागा, गुर की वचनी हाट बिकाना जित लाया ते तिलागा। इसे तहत सतगुरु ने सहज पाठ देवा लै रहे हैं और बहुत सारे वीर भैन नाल रल के माई भाई संगत सभा सोसाइटियां संस्थावां गुरद्वारा साहबान सारे ही सच्चे पातशाह योगदान पा रहे हैं। सो सहज पाठ जिहड़ा है उहदे लई साडी रहत मर्यादा विच वी दर्ज है कि हर एक सिख सिखणी बच्चे बच्ची नूं रोजाना आपो अपना सहज पाठ करना चाहिए। जदों सानूं गुरमुखी आ जाए ऊड़ा ऐड़ा सीख लईए, मुहार नहीं कर लईए, जोड़ लो जो आ जाए तो सानूं गुरचरणी लग जाना चाहिए है। देखो एक सड़क है, सड़क का असीं रूल तोड़िया, ठीक है ना। सड़क ते गड्डी साडे देश विच कहड़ी हद चलदी है, इंडिया विच खब्बे हद चलदी है और काफ़ी सारे रूल एंड रेगुलेशन। पर जे कोई जाना खब्बे हाथ की बजाय सज्जे हाथ गड्डी चलावे, ठीक है ना, जो सज्जे हाथ गड्डी चलाएगा तो होएगा एक्सीडेंट, तो मिलनगियां दुख ते तकलीफा आपनों भी ते दूजियां नूं भी। उसे तरह आपां एक सिख पंथ का रूल भी तोड़ दिता। अज तो 50-60 साल पहलों जदों भी बच्चा होश संभालता सी तां उहनूं गुरचरणी ला दिता जांदा सी। इहदा तुसीं बहुत सारियां साडे इतिहास जिहड़े विच एग्जाम्पल ने, जिहड़ी बड़ी बड़ियां रूहां होईयां ने। भाई वीर सिंह जी ने 7 साल की उम्र च सहज पाठ जिहड़ा सी उह संपूर्ण कर लिया सी, ठीक है। प्रोफेसर साहब सिंह जी, जिन्हां दा नाम छोटे हुंदे नत्थू राम जी सी, उन्होंने तीसरी जमात में सहज पाठ शुरू किया सी। दसदे हन वी हीरा लाल जी ने 9 साल की उम्र च सहज पाठ शुरू किया, तो हीरा लाल जी कौन बन गए, चेयरमैन डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी बन गए। और डॉक्टर जसवंत सिंह जी ने कि दसदे हन वी 11 साल की उम्र च उन्होंने सहज पाठ आरंभ कर लिया सी। सो पुरातन जनरल चल जाइए तो महाराणी जिंद कौर जी जिहड़े सन, जदों उन्होंने पता लगा सी कुड़माई का भी मेरा जिहड़ा आनंद कार्ज है वह किहदे नाल पक्का होया है, और जिहड़ा दसण वास्ते आया सी उन्हूं इंतजार करना पिया सी, क्योंकि महाराणी जिंद कौर जिहड़ी उदों नौजवान बच्ची सी वह अपना गुरु ग्रंथ साहिब जी हुरी जी सहज पाठ कर रही सी। इदां दीआं लखां ही उदाहरणां ने, क्योंकि यह बड़ा जरूरी है कि सानूं सहज पाठ करना, क्योंकि सहज पाठ की है गुरु नाल गल्लां, ते गुरु नाल गल्लां करन तों बगैर ते साडे कोल कुछ भी नहीं। असीं दुनियावी गल्लां तां सारियां करदे पर गुरु नाल गल्लां करनियां असीं भुल गए। सो आपां अगली वारी जदों मिलांगे सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करन, सतगुरु की जिसनों मत आवै सो सतगुरु माहे समाना, इहो बाणी जो जियो हजाणा तिस अंतर रवै हर नामा। ये आपां दूजे पाठ दे विच इहदे विचार करांगे। नाले असीं शुरू कीता है सहज पाठ दी लड़ी, वी सहज पाठ है कि किवें करिए किदां करिए, इस सवाल जवाब दी लड़ी जिहड़ी है उह पछलावांगे। सतगुरु जी कृपा करन, रल मिल के असीं घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा मसोहा दे तहत असीं हरेक दुनिया के मनुख तक ये जिहड़ी सहज पाठ दी लहर है वह पहुंचाउणी है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।